टीम इंडिया ने इस धाकड़ खिलाड़ी को आराम देकर कर दी बड़ी गलती। बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए साबित होता काल। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में मचाया इस खिलाड़ी ने तूफान। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाना है। इस वनडे सीरीज को टीम इंडिया पहले ही 0-2 से गंवा चुकी है और अब क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। टीम इंडिया को इस सीरीज में कहीं न कहीं एक खिलाड़ी की कमी सबसे ज्यादा खल रही है। ये खिलाड़ी पिछले कई समय से लगातार टीम का हिस्सा बन रहा है, लेकिन इस दौरे पर आराम दिया गया है। इस तेज गेंदबाज के बिना खेल रही है टीम इंडिया। भारतीय सेलेक्टर्स ने बांग्लादेश दौरे पर युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जगह नहीं दी गई, उन्हें आराम दिया गया है। टीम इंडिया को इस सीरीज में अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाज की काफी कमी खल रही है। अर्शदीप सिंह इस समय काफी शानदार फॉर्म में भी हैं। वे बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए अभी तक के 2 मैचों में भारत की हार के पीछे गेंदबाजों का भी बड़ा हाथ रहा है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर अपना वनडे डेब्यू मैच खेला था। इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालने वाले शिखर धवन ने अर्शदीप सिंह को 3 मैचों में जगह दी थी, लेकिन वह एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके थे। हालांकि इस पूरी सीरीज में अर्शदीप ने सिर्फ 13.1 ओवर ही गेंदबाजी करने का मौका मिला था। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने अभी तक 21 टी20 मैच खेले हैं। इन मैचों में अर्शदीप सिंह ने 8.17 की इकोनॉमी से रन देते हुए 33 विकेट अपने नाम किए हैं। अर्शदीप सिंह एशिया कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वह काफी सफल रहे थे। आपको बता दें कि टीम इंडिया की गेंदबाजी इस समय बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान और कोच के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अगर ऐसे में अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया होता तो सीरीज हारने की नौबत ना आती। हालांकि तीसरा और आखिरी मैच जीतकर टीम के पास अब भी अपनी लाज बचाने का अवसर है, लेकिन इस मैच से पहले इंडियन टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ी चोटिल होने के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। रोहित की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कप्तान KL के हाथों में होगी। ऐसे में कार्यवाहक कप्तान KL राहुल और कोच राहुल द्रविड़ के लिए टीम को इस मैच में जीत दिलाना कड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरा वनडे मैच जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर यहाँ की पिच की बात की जाए तो ये हमेशा से ही बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुई है। हालांकि स्पिन गेंदबाजी के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। इस स्टेडियम की धीमी पिच के कारण स्पिन गेंदबाजों को मध्य ओवरों में विकेट हासिल होती है। वहीं तेज गेंदबाजों की घूमती हुई गेंदों ने इस पिच पर बल्लेबाजों को खूब सताया है। वहीं अगर कोई बल्लेबाज इस पिच पर टिक जाए तो वह अच्छी बल्लेबाजी करने में भी सफल हो सकता है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया आज का मैच जीतकर अपनी लाज बचाती है या फिर उसका सूपड़ा साफ हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।